हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में फैक्स मशीन की ब्लॉक डायग्राम किस तरह से होती है और उसके हर एक ब्लॉक की वर्किंग क्या है इसकी जानकारी लेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फैक्स मशीन। The complete circuit diagram can be divided into three main parts. तो इस fax machine के block diagram के three parts किए गए हैं। उसमें एक first part है transmitter section और इस transmitter section में आते हैं CCD sensor, ADC यानी कि analog to digital converter, digital data compressor, digital modulator. Second section है receiver section जिसमें आता है demodulator, डाटा एक्सपेंशन यूनिट, थर्मल प्रिंटर आउटपुट। उसके बाद थर्ड सेक्शन है कंट्रोल सेक्शन जिसमें आता है कंट्रोल लॉजिक यूनिट, मोटर कंट्रोल सर्किट और ऑपरेटर कंट्रोल। तो इस तरह से ट्रांसमीटर, रिसीवर और कंट्रोल थ्री सेक्शंस है पूरे ब्लॉक डायग्राम के। अब हम इस तीनों सेक्शंस को वन बाय वन देखेंगे। ये है पूरी ब्लॉक डायग्राम ऑफ फैक्स मशीन जिसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगाया जाता है और किस तरह से उसकी वर्किंग है, उसका वे क्या है वो दिया गया है। तो सबसे ऊपर का पार्ट है ट्रांसमीटर ब्लॉक जिसमें है सीसीडी, ए टू डी कन्वर्टर, डिजिटल डाटा कंप्रेशन और मॉड्यूलेटर सर्किट। उसके बाद ये मॉड्यूलेटर सर्किट का आउटपुट दिया जाता है टेलीफोन लाइन इंटरफेस को और ये मॉड्यूलेटर सर्किट डी मॉड्यूलेटर सर्किट इंटरकनेक्टेड है। दूसरा ब्लॉक है रिसीवर ब्लॉक जहाँ पे है थर्मल प्रिंटर, डिजिटल डाटा एक्सपेंशन और डी मॉड्यूलेटर सर्किट। तो ट्रांसमीटर से इस तरह से डेटा पास होता है, फिर यहाँ आता है टेलीफोन लाइन के जरिए और रिसीवर ब्लॉक में डी मॉड्यूलेटर से थर्मल प्रिंटर तक आता है। और ये नीचे वाला है कंट्रोल सर्किट जिसमें है मोटर कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल लॉजिक और ऑपरेटर कंट्रोल। The fax machine is a half duplex communication system because the two machines cannot send documents simultaneously. तो ये जो हमारी fax machine होती है उसका जो communication है वो है half duplex, क्योंकि एक जो fax machine है वो same time में document को send और receive नहीं कर सकती है। अगर first fax machine document send कर रही है तो उसका सेंडिंग का पूरा प्रोसेस होने के बाद ही वो किसी डॉक्यूमेंट को रिसीव कर सकती है। फैक्स इज अ ट्रांस रिसीवर यूनिट लाइक अ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, तो इसे ट्रांस रिसीवर यूनिट कहा जाता है और ये टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के जैसा ही वर्क करता है। वर्किंग, तो फर्स्ट है हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन। It senses light by a CCD scanning mechanism. अब ये CCD scanning क्या है? वो last video में हमने देखा है। तो यहाँ पे जो भी document हम fax machine को दे रहे हैं, वो CCD scanning के जरिए light को sense करता है। The CCD output is an analog signal, so it is converted into digital by using ADC. अब CCD scanning का output जो है वो analog होता है। एनालॉग को डिजिटल में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग ए टू डी कन्वर्टर। द इमेज इज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1। अब ये 0 और 1 ये क्या है वो लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख ले। तो यहाँ पे टोटल इमेज को स्कैन किया जाता है और 0 और 1 की स्ट्रिंग बनाई जाती है। डाटा कंप्रेशन यूनिट इज यूज्ड टू कंप्रेस द लॉन्ग डेटा स्ट्रिंग इनटू अ कंप्रेस्ड स्ट्रिंग लाइक zip डेटा यूज्ड इन कंप्यूटर स्टोरेज। अब जब ये 0 और 1 की स्ट्रिंग बनाई जाती है वो बहुत लंबी होती है, तो उसे डेटा कंप्रेशन यूनिट के जरिए कंप्रेस किया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर में zip फाइल्स का यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पे कंप्रेस्ड स्ट्रिंग बनाई जाती है। ड्यू टू डेटा कंप्रेशन इट इंक्रीजेस द ट्रांसमिशन स्पीड अबाउट
2400 टू 9600 वॉट। तो यहाँ पे हम डेटा को कंप्रेस कर देते हैं, तो उसके वजह से उस डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड इंक्रीज हो जाती है और मेमोरी साइज कम हो जाती है, यानी कि उसको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लगने वाली है वो कम लगती है। द कंप्रेस्ड डेटा इज देन मॉड्यूलेटेड बाय डिजिटल टेक्निक यूजुअली PSK और AM। PSK यानी कि फेज शिफ्ट कीइंग और AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये जो कॉम्प्रेस किए हुई स्ट्रिंग है, डेटा है हमारा, उसको मॉड्यूलेट किया जाता है किसी भी एक टेक्निक को यूज करके। द मॉड्यूलेटेड कैरियर इज देन ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन, और उसके बाद जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो टेलीफोन लाइन के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर सेक्शन की वर्किंग खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है रिसीवर सेक्शन। व्हेन द फैक्स मशीन रिसीव्स सिग्नल फॉर डॉक्यूमेंट रिसेप्शन थ्रू अ टेलीफोन लाइन, ऑपरेटर गिव्स एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल लाइक सेंट डॉक्यूमेंट बाय ऑपरेटिंग अ डिजायर स्विच। अब ट्रांसमीटर सेक्शन से जो भी हमने डेटा भेजा है वो रिसीवर सेक्शन के पास आ जाता है। जब भी रिसीवर सेक्शन वो डेटा को रिसीव करता है, तब वहां पे जो ऑपरेटर होता है वो कमांड देता है, सिग्नल देता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट सेंड करो। तो उस टाइम वहां पे एक स्विच यूज किया जाता है जिसके जरिए समझ जाता है कि अब सेंड डॉक्यूमेंट कमांड मिल गई है। डीमॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेट्स द इनपुट कैरियर इनटू डिजिटल डेटा। अब हमने मॉड्यूलेटर यूज किया था पहले ट्रांसमीटर सेक्शन में, तो यहाँ पे उस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करना पड़ता है, इसीलिए डीमॉड्यूलेटर सर्किट हम यहाँ पे यूज करते हैं। इट इज इन कॉम्प्रेस्ड फॉर्म। अब डीमॉड्यूलेटर तो हमने यूज किया, बट मेन जो डेटा था उसे हमने कॉम्प्रेस किया हुआ था, तो यहाँ पे भी डीमॉड्यूलेट करने के बाद वो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में ही हमें डेटा मिलता है। द अपोजिट एक्शन इज कैरिड आउट बाय एन इंटीग्रेटेड सर्किट टू एलिमिनेट द डेटा कंप्रेशन नोन एज डेटा एक्सपेंशन टू गेट द डिजायर्ड डेटा। अब ट्रांसमीटर सेक्शन में हमने जो एक्शन कैरी की थी, यानी कि हमने डेटा को जिस तरह से कंप्रेस किया था, उसकी अपोजिट एक्शन यहाँ पे कैरी की जाती है। तो हमें यहाँ पे कंप्रेस डेटा को फिर से एक्सपांड करना है, तो यहाँ पे एक डिजिटल डेटा एक्सपेंशन नाम के इंटीग्रेटर सर्किट का यूज किया जाता है, जिसके जरिए हम कॉम्प्रेस डेटा को फिर से एक्सपांड करते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं। द एक्सट्रैक्टेड डिजिटल डेटा इज गिवन टू प्रिंटिंग मैकेनिज्म लाइक प्रिंटर और अ जेरोक्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म। देन जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है डेटा, ओरिजिनल फॉर्म में हमने जो डेटा लिया है उसको प्रिंटिंग मैकेनिज्म के पास भेजा जाता है, यानी कि प्रिंटर जेरोक्स मशीन को दिया जाता है। द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म लाइक अ लेजर मैकेनिज्म विच गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो आउटपुट क्वालिटी है वो वहाँ पे किस तरह का लेजर, किस तरह की स्कैनिंग यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो भी प्रिंटर का आउटपुट होता है वो डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी वो वहां पे जो भी मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है उस पे डिपेंड करता है। अगर वहां पे बेस्ट लेजर मैकेनिज्म होगा तो हमें बेस्ट क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। अ कंप्यूटर प्रिंटर कैन बी यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम फैक्स मशीन। यहाँ पे हम कंप्यूटर प्रिंटर का भी यूज कर सकते हैं फैक्स मशीन का आउटपुट लेने के लिए। उसके बाद आता है कंट्रोल सेक्शन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अ फैक्स मशीन बिकॉज इट परफॉर्म्स हैंडशेकिंग ऑपरेशन टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन टू फैक्स मशीन्स। तो कंट्रोल सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे ब्लॉक डायग्राम का, क्योंकि यहाँ पे इस दो रिसीवर और ट्रांसमीटर सेक्शन के बीच में का एक्शन परफॉर्म किया जाता है, और दोनों सेक्शन में जो कम्युनिकेशन रहना चाहिए, करेक्ट वे में कम्युनिकेशन होना, डॉक्यूमेंट को रिसीव ट्रांसमिट करना, ये सारे कंट्रोल एक्शंस यहाँ पे इस कंट्रोल सेक्शन में परफॉर्म किए जाते हैं। द हैंडशेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्स द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल एक्शंस। तो ये क्या क्या करता है? इट सेंड्स एन ऑडियो टोन वाइल ट्रांसमिशन एंड रिसीप्शन।
तो जब भी डेटा या फिर डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, वहां पे हमें एक रिंग बेल सुनाई देती है। जैसे आपको मोबाइल पे कोई भी मैसेज आता है तो एक हम रिंगटोन लगाते हैं, उसी तरह से। इट कंपेयर्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ टू मशीन। इफ इट इज कंपेटेबल, इट सेंड्स क्लियर टोन, एंड इफ नॉट, इट सेंड्स टर्मिनेटिंग टोन। दोनों जो मशीन्स है, जो रिसीवर सेक्शन पे है और जो ट्रांसमीटर सेक्शन पे है, दोनों मशीन्स के मैकेनिज्म को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। अगर वो दोनों मशीन्स एक दूसरे को कंपेटेबल है, तब ही वो एक क्लियर टोन देता है। अगर नहीं है तो टर्मिनेटिंग टोन, यानी कि अगर सेम है तो यस, नहीं है तो नो, इस तरह से वो इंडिकेट करता है टोन के जरिए। After sending a clear tone, it sends synchronized signals to start simultaneous scanning at both the ends. अब जब ये दोनों फैक्स मशीन्स कंपैटिबल है तो हमें एक क्लियर टोन मिलती है, तो उसके बाद यहाँ पे सिग्नल्स का जो प्रोसेसिंग है वो चालू हो जाता है, स्कैनिंग चालू हो जाता है दोनों एंड्स पे। द सिंक सिग्नल अलाउज रनिंग बोथ द मशीन्स यूनिफॉर्मली एंड विथ साइमल्टेनियस एक्शन टू गेट अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे ये जो सिंक्रोनाइज सिग्नल्स होते हैं वो दोनों मशीन्स को एक साथ यूनिफॉर्म, यानी कि दोनों मशीन्स सेम स्पीड में रन करती है, सेम स्पीड में उसका ऑपरेशन चालू रहता है, जिसके वजह से हमें क्लियर आउटपुट मिलने में आसानी होती है। द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंट्रोल्स द पेपर मूवमेंट्स बाय कंट्रोलिंग मोटर सर्किट। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का पेपर की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का भी काम होता है, तो उसके लिए वो मोटर सर्किट का यूज करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फैक्स कम्युनिकेशन, इट सेंड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जब ये पूरा फैक्स कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो नंबर ऑफ पेजेस रिसीव्ड, डेट, टाइम, रिसीवर्स फैक्स नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो इस तरह से ये ट्रांसमीटर, रिसीवर और कंट्रोल सेक्शंस वर्क करते हैं। टुडे एडवांस फैक्स मशीन्स आर अवेलेबल विद ऑटोमेटिक सिस्टम लाइक बिल्ट इन टेलीफोन, रेडियल, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल विच प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक आंसरिंग एंड प्रिंटिंग फैसिलिटी। अब पहले तो मैनुअल फैक्स मशीन्स थे, बट अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है तो डिफरेंट टाइप्स के फैक्स मशीन्स होते हैं, जहाँ पे अब मशीन्स में ऑटोमेटिक आंसरिंग और प्रिंटिंग फैसिलिटी भी होती है, और जो इंटरनल सिस्टम है वो भी सारी अब ऑटोमेटिक हो गई है। इट इज ऑल्सो कंपेंड विद हाई क्वालिटी प्रिंटर। तो जो फैक्स मशीन है उसके साथ अब हाई क्वालिटी प्रिंटर्स भी आते हैं। दिस ऑटोमेटिक फैक्स मशीन डू नॉट रिक्वायर्ड मैनुअल अटेंशन। बाई यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी एंड द एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, the fax machines are now available in portable size which can be used while traveling, and the cellular phones can also be interfaced with advanced fax machines. तो अब microprocessor technology बहुत आगे बढ़ गई है और advanced communication system भी आ गई है, तो अब portable fax machines आती है जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप या फिर हमारे फोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की भी fax machines अब आ गई है। तो इस तरह से फैक्स मशीन्स में भी बहुत ही एडवांसमेंट हो गई है। अगर आपको इस ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।